हेलो गाइस, इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी लर्निंग मिलेगी और आपको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हमको कहाँ पर ट्रेड लेना है और अपने जो लेवल्स हैं उसके ऊपर बिलीव करके कैसे ट्रेड लेना है। आज के दिन जो प्रॉफिट बना है उस प्रॉफिट पर आप बिल्कुल फोकस मत करना, क्योंकि जो प्रॉफिट बना है वो प्रॉफिट मेरा है, आपका नहीं है। और ये एक दिन की मेहनत नहीं है, ये मैं लगभग 5 साल से कर रहा हूँ तभी इतना प्रॉफिट बना पाता हूँ और इतना मैं मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ और ट्रेड करता हूँ मैं, ठीक है। तो आपको ओनली लर्निंग पर फोकस करना है। वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूँ आज के दिन का क्या प्रॉफिट हुआ है और क्यों मैंने आज के दिन ट्रेड लिया और उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है। मैंने कल के दिन एनालिसिस में आपको क्लियर बताया था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है या फिर दोस्तों मार्केट अगर 700 या फिर 680 के नीचे अगर ब्रेक करता है तभी अपन यहाँ पर मार्केट को डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर अपन कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे डाउन साइड के लिए। अगर 21,680 के नीचे ट्रेड करता है या फिर यहाँ पर 21,720 722 के ऊपर रहता है तो यहाँ पर अपन अपसाइड के ट्रेड करेंगे। अब मार्केट देखिए क्या किया मार्केट ने। सबसे पहले मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपनिंग के बाद देखेंगे मार्केट डाउन साइड आया सडनली। देखेंगे ये कैंडल कितनी बड़ी रेड बनी 5 मिनट की, और मैं हमेशा 5 मिनट के चार्ट के ऊपर ट्रेड करता हूँ। अगर दोस्तों मैं ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करता हूँ तो 15 मिनट की कैंडल का मैं कन्फर्मेशन लेता हूँ, अदरवाइज 5 मिनट के चार्ट के ऊपर ही मैं ट्रेड करना पसंद करता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो मेरा एसएल था वो देखिए, एसएल कितना छोटा था और यहाँ पर कैसे ट्रेड किया, ठीक है। अभी मार्केट में क्या होता है, जब भी जनरली मार्केट में काफ़ी सारे लोगों की आपने स्ट्रेटजी देखी होगी कि पहले 5 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क करके रखिए और जिस साइड में ब्रेकडाउन देता है उस साइड में आप सडनली ट्रेड लेके भाग जाते हैं, उस साइड में ट्रेड करते हैं। अगर इस स्ट्रेटजी से किसी ने ट्रेड किया होगा तो उसने यहाँ पर पुट में एंट्री बना ली होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पहले 5 मिनट की कैंडल में लो क्रॉस किया सेकंड कैंडल ने और यहाँ पर किसी ने पुट में एंट्री बना ली कि यहाँ से डाउन साइड में जाएगा। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, जो कि दोस्तों इस स्ट्रॉन्ग एरिया में ये सपोर्ट एरिया है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैंने कल के वीडियो के अंदर भी बताया है कि जब तक 680 के नीचे मार्केट नहीं सस्टेन होता है तब तक मैं डाउन साइड में जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। मेरे को और भी डीप मिलेगा तो यहाँ पर मैं और भी बाइंग करने की कोशिश करूँगा और अपने एवरेज करके अपना जो लॉस होगा वो कम करने की कोशिश करूँगा, बट यहाँ पर मैं सेल नहीं करूँगा, ठीक है। अब पहले 5 मिनट की कैंडल रेड बन गई है तो यहाँ पर लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर मार्केट नेगेटिव होने वाला है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सपोर्ट के ऊपर था मार्केट और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के ऊपर था, तो मार्केट ने जैसे ही इसका लो क्रॉस किया और कल के लो के आसपास आया यहाँ पर ही मैंने अपनी जो ट्रेड था 1800 क्वांटिटी के अंदर मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था निफ्टी के अंदर, और आई थिंक 108 की प्राइस थी उस कॉल की और उस कॉल को मैंने आई थिंक 161 के आसपास हाई लगाता हुआ दिखा, 108 से 161 लगभग 50-55 पॉइंट यहाँ पर मेरे को मिल रहे थे, आराम से कोई इशू नहीं था। और कितना प्रॉफिट बुक किया था मैंने वो भी बताने वाला हूँ। वन वे देखेंगे, यही कैंडल रेड बन रही थी तब मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था और यही कैंडल देखेंगे ग्रीन कैंडल क्लोज हुई और यहाँ पर कंटिन्यू मार्केट ने एक अपसाइड का मोमेंटम दिया है। और यहाँ पर देखेंगे उसके बाद, ये अगर किसी को रिस्की लगता है समझने की कोशिश कीजिए, अगर ये रिस्की लगता है तो कल की एनालिसिस वाला वीडियो जाके देखिए, उसमें मैंने बोला था ये ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होने के बाद वापस से रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट के अंदर अपने को वापस कोई कैंडल बनेगी, अपने को लगेगा कोई कैंडल अपसाइड में जाने वाली है तो यहाँ पर वापस अपन बाइंग कर सकते थे। और यहाँ पर यहाँ पर मैंने एक छोटी क्वांटिटी में और भी बाई किया था और दोनों का मिलाकर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मेरे को यहाँ पर देखने को मिला है आज के दिन। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है और टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, लगभग मैंने 88,000 प्लस का मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट में देख रहे होंगे आप, क्योंकि ये जो सेकंड ट्रेड लिया था ये मैं इस वाले अकाउंट में नहीं लेता हूँ, ये सेकेंडरी जो भी सेकंड ट्रेड करता हूँ हर अकाउंट में एक ट्रेड ही करता हूँ मैं। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, दोनों में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है। तो यहाँ पर अपनी साइकोलॉजी और अपनी माइंडसेट क्या काम कर रही है कि मार्केट का जो जो लेवल है उस लेवल के ऊपर ट्रेड करना है अपने को और अपने लेवल पर बिलीव करना है।
बट स्ट्रोंग सपोर्ट और स्ट्रोंग रेजिस्टेंस के ऊपर, जब मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर हो तो स्ट्रोंग सपोर्ट के ऊपर ही आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा सपोर्ट स्ट्रोंग है, कौन सा रेजिस्टेंस स्ट्रोंग है, अब यहाँ पर मैं कुछ भी करके, यहाँ पर मैं अगर सेल भी करता, बाय भी करता, तो यहाँ पर देखेंगे मार्केट होल्ड कर रहा है। इस रेंज में देखेंगे तो मार्केट होल्ड कर रहा है अपने आप को, तो यहाँ पर होल्ड ही कर रहा है मार्केट, कहीं नहीं जा रहा है। तो जब तक यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट करके नहीं निकलेगा इस लेवल को, तब तक अपन कल के दिन कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। अगर ब्रेकआउट करता है और यहाँ पर 21,999.66 के ऊपर सस्टेन होता है, तभी अपन यहाँ पर अपसाइड में ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ पर हुआ तो, अदरवाइज यहाँ पर अपन ट्रेड नहीं करेंगे। तो आज की जो लर्निंग है वो आपको देखने को मिली होगी और अच्छा आपको एक गाइडेंस मिला होगा, क्योंकि अगर मार्केट देखेंगे तो ये अभी ये ट्रेंड लाइन भी बनाता हुआ निकला है, मार्केट वापस अपसाइड में जाके क्लोजिंग किए हैं, मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, तो ये भी नज़र बना के रखेंगे। बाकी आज के दिन यहाँ पर सेकंड कैंडल के अंदर ही ट्रेड बना था, मोस्टली मैं पहले 15 मिनट की कैंडल के अंदर ही प्रॉफिट बना के निकल जाता हूँ, या फिर प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी होता है, मोस्टली 15 मिनट की कैंडल में। और अगर मैं बिजी होता हूँ, नहीं ले पाता हूँ ट्रेड, तो मैं कोई ट्रेड नहीं लेता हूँ, देखता हूँ उसके बाद प्राइस एक्शन को, उसके बाद कोई ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ। और यही ट्रेड मैंने यहाँ पर जब 110 या फिर 115 चल रहा था, तब मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी शेयर किया था, फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस लिंक से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको भी यहां पर ट्रेड मिलेंगे। और उसके बाद मार्केट ने लगभग 40 पॉइंट का मूव दिया था, और इस मूव को अगर किसी ने कैप्चर किया होगा एक लोट के अंदर, तब भी आपको 500 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिला होगा, क्योंकि यहां पर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला मॉर्निंग सेशन के अंदर ही। ठीक है, तो आज के इस वीडियो से आपको क्या लर्निंग मिली है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको लर्निंग मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।